दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी वेस्टेज क्लॉथ में से ब्लाउज की डिजाइनर नेक कैसे बनाएं। जैसे एक कुर्ती का बचा हुआ पीस है तो मैं इसमें से जो डिजाइन है वो आपको कट करके बताती हूँ। इसी तरह मैंने सारी डिजाइनें कट कर ली हैं। अभी आपको बताती हूँ जैसे कि ये क्लॉथ आ रहा है इसको किस तरह से सेट करना है। जैसे ये क्लॉथ निकला हुआ है तो हम इसको कैंडल से थोड़ा जला देंगे जिससे कि ये इसकी फिनिशिंग भी बराबर आ जाएगी और जो धागे निकल रहे हैं वो भी नहीं निकलेंगे। जैसे मैंने इस तरह से इसको तैयार कर रहे हैं इसी तरह मैं सभी पीसें तैयार कर लूँगी। इसी तरह मैंने सारी डिजाइनें तैयार कर ली हैं। अभी आपको बताती हूँ ये ब्लाउज में किस तरह लगानी है। ये मैंने लेस ली है तो मैं इस जो बोट नेक है मैं इस बोट नेक पर इस तरह से ये लेस लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद जो मैंने डिजाइन कट की है वो डिजाइन लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेस लगाते हैं। तो ये बोट नेक में मैंने इस तरह से ये लेस लगाई है। आप कोई भी कलर की लेस लगा सकते हैं। अभी आपको बताती हूँ जो मैंने ये डिजाइन कट की है वो किस तरह से लगानी है। तो जो हमारा बोट नेक स्टार्ट है हम तो शोल्डर से ही डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तो ये जैसे आर्म होल आ रहा है तो यहाँ से हम छोड़ देंगे क्योंकि ये स्टिचिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से हम रखेंगे और इसको ग्लू से चिपकाएंगे। तो आपको तरीका बताती हूँ। तो मैं इस तरह से लगाऊंगी जैसे मैंने इसको थोड़ा क्रॉस में लगाया क्योंकि यहाँ पर स्टिचिंग के लिए हमारे लिए प्लेस चाहिए। तो अभी सेकंड हम इस तरह से लगाएंगे और सभी को हम सेम शेप में नेक में तैयार कर देंगे। आप चाहें तो इसमें स्टिच कर लेते हैं लेकिन मैं इसमें ग्लू लगा के यहाँ पर चिपकाऊंगी। तो आपको चिपकाने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। लगाने के बाद इसको चिपकाऊंगी। तो ये उल्टा कर लिया इस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे। मैंने ये लगा लिया है। अभी यहाँ पर नेक डिजाइन पर हम इसको इस तरह से लगाएंगे। सभी डिजाइनें इसी तरह हम ग्लू से चिपका लेंगे। और आप चाहें तो सेम ये जो डिजाइन है हमारी सेम डिजाइन पर आप स्टिचिंग भी डाल सकते हैं। जैसे मैं नेक में फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर दी है अभी आपको बताते हैं दूसरा लाइन डालना है हमको। तो हमको इस तरह से सेंटर में डालेंगे दूसरा लाइन। इस तरह से हम थ्री पीस डालेंगे। उसके बाद इसके नीचे से हम टू पीस लेंगे और लास्ट में हम वन पीस लेंगे। तो हमारी ये डिजाइन है वो इस तरह से दिखेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।